महज 4 साल की उम्र से ही फिल्मी दुनिया में अदाकारी का जलवा बिखेरने वाली श्रीदेवी ने 80s से लेकर 90s तक देश के युवा धड़कनों के साथ साथ सबके दिलों पर खूब राज किया था और आज भी कर रही हैं। हालांकि श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके ना रहने के बावजूद भी उन्हें चाहने वालों की अभी कोई कमी नहीं है। श्रीदेवी ने हिंदी सिनेमा में कई बेहतरीन फिल्में जैसे हिम्मत वाला, मिस्टर इंडिया, चांदनी, नगीना, चालबाज, खुदा गवाह, जुदाई इत्यादि से अपने दर्शकों के दिलों में कभी ना मिटने वाली जगह बनाई है। श्रीदेवी ने अपने जीवन के आखिरी पलों में मॉम और इंग्लिश विंग्लिश से भी अपने फैंस को खूब एंटरटेन किया था। श्रीदेवी के अगर लव लाइफ की बात करें तो एक फिल्म की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी और मिथुन एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल हो गए थे कि उन लोगों ने चुपके से शादी भी कर ली थी। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जिस समय श्रीदेवी मिथुन को डेट कर रही थी उस समय मिथुन पहले से शादीशुदा थे और शायद इसलिए इन दोनों का रिश्ता बेहद गुप्त था। श्रीदेवी और मिथुन के प्यार की इस कहानी में खेवैया थे बोनी कपूर। बोनी कपूर और मिथुन अच्छे दोस्त थे और इसी कारण बोनी कपूर मिथुन से अपनी दोस्ती निभाते हुए अक्सर इन दोनों की मदद करते रहते थे और उन्होंने श्रीदेवी को अपने घर में रहने का आसरा भी दे रखा था। हालांकि बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना कपूर और श्रीदेवी भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और यह भी एक कारण था कि श्रीदेवी बोनी कपूर और मोना कपूर के घर में रहा करती थी। कुछ सालों बाद जब मिथुन और श्रीदेवी के रिश्तों में दूरियां आने लगी तब बोनी कपूर श्रीदेवी का सहारा बनने लगे और ये सहारा कब प्यार में बदल गया पता नहीं। श्रीदेवी और बोनी कपूर ने सारे नियम कानून को दरनिकार करते हुए एक दूसरे के लिए जीने मरने का सपना देखना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद बोनी कपूर की पत्नी मोना कपूर और उनकी माँ को इस बात का संदेह हो गया कि इन दोनों के बीच अब कुछ सामान्य नहीं रहा बल्कि कुछ खास हो गया है। एक बार रक्षाबंधन के त्योहार पर बोनी कपूर की माँ ने मौके का फायदा उठाते हुए श्रीदेवी को रक्षाबंधन की पूजा की थाली पकड़ा दी और उन्हें कहा कि बोनी कपूर को राखी बांधो। हालांकि श्रीदेवी दक्षिण भारतीय थी इसलिए उन्हें रक्षाबंधन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था और बोनी कपूर के हालत खराब हो गए थे और संभवतः श्रीदेवी ने बोनी कपूर को राखी भी बांधा था। हालांकि कुछ सालों बाद बोनी कपूर और श्रीदेवी ने एक दूसरे से विवाह कर लिया और पूरे दुनिया के सामने अपने प्यार को एक नाम दे दिया। आज इस जोड़ी से दो बेटियां जानवी कपूर और खुशी कपूर हैं। जानवी कपूर आज एक सेटल्ड अभिनेत्री हो चुकी हैं जबकि खुशी कपूर एक नए स्टार्ट की तैयारी में अभी भी लगी हुई हैं। तो ये थी श्रीदेवी और उनके पति के बीच हुए रक्षाबंधन की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।